चैनल में फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा आज का जो हमारा कंटेंट रहने वाला है वो रहने वाला है दिल्ली कृष्णा नगर टकेज कैफे। अच्छा, हमको सिखा रहा है। यहाँ की सबसे बड़ी जो खासियत है वो खासियत ये है कि यहाँ का जो कॉन्सेप्ट बनाया गया है कैफे का वो जेल से रिलेटेड का बनाया गया है। मैं आपको दिखाना चाहूँगा सबसे पहले ये बोर्ड है सामने, आपको दिखाई भी दे रहा होगा टकेज कैफे का, ठीक है। सामने जो है एक उन्होंने जिसे कहते हैं वॉलपेपर बना रखी है, आगे का पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट ये है। और आपको जो है रॉयल ग्राउंड तो दिखाई दे रही होगी, ये आपकी हमेशा जो हमारे साथ हमेशा रहती है। और यहाँ इसकी एंट्री जो होती है अपनी यहाँ से होती है, और गेट भी इस तरीके से बनाया गया है जैसे एक पुराना गेट होते हैं ना, पुराने जेलों के गेट होते हैं वैसे ही कॉन्सेप्ट बनाया गया है। और तो और ये इसकी एंडिंग यहाँ तक की है और स्टार्टिंग यहाँ तक की है। तो चलो आके दिखाते हैं और फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले एंट्री करते ही सबसे पहले आपको सारी चीज़ें दिखाई दे रही होंगी, सारे ये बिल्कुल एकदम आयरन का बना हुआ है स्ट्रॉन्ग। आप यहाँ पे आओगे ना तो मतलब परमानेंट घुस जाओगे, ये केवल एक मजाक था और कुछ नहीं है। तो आपको सबसे पहले पूरा यहाँ का कॉरिडोर जो है बिल्कुल इस तरीके से बनाया गया है एकदम, इसे कहते हैं बिल्कुल जेल की तरह, ठीक है। और यहाँ से इसकी स्टार्टिंग होती है, आप सबसे पहले देखना चाहोगे यहाँ पे लिखा हुआ काल कोठरी, ठीक है। तो गाइस आपको पता होगा ना क्या होता है काल कोठरी, बताऊँ आगे। जेल की रोटी खानी पड़ेगी, जेल का पानी पीना पड़ेगा, अब तो जेल में आना पड़ेगा, तो ये है काल कोठरी। तो आप यहाँ पे आओगे तो आपको पर्टिकुलर एक जैसे है कॉन्सेप्ट बना रखा है कि यहाँ पे आपको सारी चीजें मिल जाएगी। ये बना रखा है यहाँ पर सात फूट का, खून माफ का मतलब ये नहीं होता है खून कर दो और माफ हो जाएगा, ऐसा नहीं है, बस एक पर्टिकुलर पोर्शन बना रखा है और ऐसा कुछ भी नहीं। तो इस तरीके से इन्होंने जो है टैगलाइन भी रखी है, यहाँ पर लिखा हुआ है अंधा कानून। देखो मोदी जी के राज में अब कानून अंधा नहीं रहा है, ठीक है। तो कानून जैसा अपना काम हमेशा सच्चाई और ईमानदारी की तरह करता आ रहा है वैसा ही हमेशा करता रहेगा। तो ये कॉन्सेप्ट जो बनाया गया है वो बनाया गया है यहाँ पे पर्टिकुलर बनाया गया है। और ये टैग है बिल्कुल इस तरह का वॉन्टेड, यहाँ पे भैया अपना काम कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो मैं गाइस बताना चाहूँगा कि हम जो है थोड़ा जल्दी आ गए थे आज, इसलिए आपको थोड़ा खाली खाली लग रहा होगा, और वीकेंड पे यहाँ पे बहुत भीड़ रहती है, ठीक है। तो अभी जो है हम स्टार्टिंग में मॉर्निंग में आ गए थे और हमको इतना क्राउड भी नहीं चाहिए था, क्योंकि क्राउड रहता है तो उससे क्या होता है ना कि यहाँ की बहुत सारी चीज़ें एंगेज हो जाती हैं, जिसकी वजह से क्या है लोग अपना एंजॉयमेंट हम अच्छी तरीके से वीडियो भी आपको नहीं दिखा पाएंगे। तो ये पर्टिकुलर एक यहाँ पर सेंटर कॉरिडोर है, अगर आप किसी को यहाँ पर बुकिंग वगैरह ऐसा कुछ करवाना होता है तो बुकिंग भी करवा सकता है पर्टिकुलर, ठीक है। और यहाँ पर भी ऐसी टैगलाइन लिखी हुई है, ये उम्र की लड़की है। यार मेरे को तो ऐसा धक धक हो रहा है, मेरे को भी हो रहा है, ये तो देख के डर लगता है यार, ये नहीं करना मुझे, ठीक है। और यहाँ पे लिखा है टकेज कैफे चौकी, जो इनके पर्टिकुलर टैग लाइन है कैफे की, और ये है 507 12, आपको पता होगी। और ये कैब है गलती नहीं क्या फिक्स कर रखी है, तो बस यही था। तो गाइस मैं आपको बताना चाहूँगा हमारे पास जो हमने ऑर्डर किया था आ चुकी है सिंगापुरी। अरे भाई गन भी लाए हो क्या? जी सर, हमारा ये रेस्टोरेंट का रूल्स है। अच्छा, जो खाने देते हैं उसके साथ गोली भी देना पड़ेगा। अच्छा, गोली सर दस का गोली लेता है सेम ऐसे। अच्छा जी, के साथ गोली भाई मुझे तो डर लग रहा था कि आप जो इसके साथ साथ मुझे ठोकना दो। चले एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग के वजह से। कौन कौन से मेन्यू चाइनीज इटालियन कौन कौन से डिश मिल जाते हैं?
इंडियन है, तंदूर है, इटालियन है, बस यही। अच्छा, और सारी चीज़ें तो मतलब भाई ये सारी चीज़ें एक साथ मिलती है क्या? ये जो है बिल्कुल खतरनाक है, ये जो है असली वाली है क्या? असली वाली नहीं है, असली वाली देख लेना पहले से एक रेट के हिसाब से ये दिया गया है। अच्छा भाई, तो गाइस मैं आपको पहले एक चीज़ बताना चाहूँगा कि मैं लगभग 2 साल पहले और आया था यहाँ पे, तो लगभग आफ्टरनून के समथिंग आया था, 12-1 बजे के आसपास। तो उस समय सब ने यहाँ पे सिविल ड्रेस पहन रखी थी पुलिस की। तो भाई मैं ये जानना चाहता हूँ, अब ये ड्रेस बदल गई है? अब नहीं, बदल नहीं गई है एक्चुअली, ये भी है ये थोड़ा सा अलग हो रहा है। अच्छा, मतलब ऐसा होता है कि मॉर्निंग में आप ये पहने तो इवनिंग में क्राउड रहता है, तो इसकी वजह से आप वो सिविल ड्रेस पहन कर रहे हैं। तो भाई मतलब जो पैसे वैसे नहीं देता है, बांध देते हो उसको इसमें? अच्छा, बांध देते हो? अच्छा, और छोड़ते नहीं हो तो फिर बर्तन वर्तन में धुलवा देते हो क्या? उसका बेल ना हो तब तक नहीं छोड़ेंगे। अच्छा, ऐसे जेल में होता है, ऐसे यहाँ भी होता है। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ वो बात है भाई। देखो यार, देखो यहाँ आओगे तो खाना, और देखो ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि बहुत एक्सपेंसिव है। आओ, सभी अपने रॉयल गरुड़ की फैमिली से बोलना चाहूँगा कि आओगे साथ साथ तो कोई इतना एक्सपेंसिव कैफ़े नहीं है, ठीक है? यहाँ पे मैक्स टू मैक्स मिनिमम 50 रुपये से आपको ऑर्डर मिलने शुरू हो जाते हैं, और उसके बाद ख़त्म होने की तो कोई कैपेसिटी नहीं है। तो आप सभी से बोलना चाहूँगा कि अभी चेक करते हैं किस तरीके का बना हुआ है चीज़, और फिर बताते हैं भाई को, देते हैं फीडबैक कैसा है। भाई एक बात बताऊंगा, देखो रेटिंग देते हैं आज थोड़ा सा सेफ बन जाते हैं। अब 5 में से एडवाइस दूंगा तो 4 नंबर दूंगा, और 4 नंबर भी बहुत अच्छे होते हैं। और सबसे अच्छी चीज़ क्या होती है ना, कि आप अगर चाउमीन खाते हो या फिर सिंगापुरी खाते हो, तो उसकी सबसे बड़ी खासियत क्या होती है, अच्छे से फाइन तरीके से बना होना चाहिए, अच्छे से कुकड होना चाहिए, तो वैसे ही हुआ है। तो थैंक यू सो मच भाई, हमको ट्रीटमेंट आप इस तरीके से आपने हमको दिया, और आप सभी से ये बोलूँगा कि क्या कहते हैं, हमारी जितनी भी अगर कोई ऑडियंस आती है तो उसको भी फुल सपोर्ट करिएगा इसी तरीके से, और इस तरीके से हॉस्पिटलिटी दीजिएगा। तो भाई और हमारे पास बताइएगा और कौन सी चीज़ें हैं जो हमने ऑर्डर करी है, और कितनी देर में आ रही है? अभी बनने में 10 से 15 मिनट लगता है, आपका टिफिन में आ जाएगा। मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपको आज मैं सबसे पहले मिलवाना भूल गया, ये मेरा छोटा भाई है सचिन, जो आज हमारे कैमरामैन का काम कर रहा है, और मेरे बहुत करीबी है, और जब भी मेरे को किसी चीज़ के लिए मैं इसको बोलता हूँ हमेशा अवेलेबल रहता है मेरे साथ। तो बस यही है, और गाइज आपको सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा यहाँ का मेन्यू देख लीजिए। मैंने आपको अभी भी बताया था ना कि 50 रुपये से स्टार्टिंग होती है, और मैक्सिमम ज़्यादा जैसे 200-250 रुपये तक। तो आपको देखिए यहाँ पे आपको स्टार्टर दिख जाएगा, पिज्ज़ा दिख जाएगा, बर्गर दिख जाएगा, चाउमीन, सूप हो गया, देखो 110 रुपीज़ हो गया, बर्गर ओनली 65 रुपीज़ हो गया, ठीक है 100 रुपीज़ का आपका पिज्ज़ा हो गया। इसी तरीके से अगर आप तंदूरी की तरफ जाएंगे तो यहाँ पे जो है आपको गार्लिक ब्रेड हो गया, सेक्स हो गए, सेक्स देखिए 105, 105, 115, और आपके सैंडविचेज हो गए 110 रुपीज़। तो जितने भी पर्टिकुलर जितने भी आपको यहाँ पे डिशेज मिल जाएंगी, बहुत इफ़ेक्टिव और क्वालिटी भी मिल जाएगी, साथ ही साथ इंडियन प्रोडक्ट्स भी आपको जो है डिशेज वो भी मिल जाएंगे, दाल फ्राई हो गया, आलू गोभी हो गया, तो मतलब अगर आपको मेन कोर्स भी लंच भी करना है तो आप लंच भी कर सकते हो, जो कि बहुत इफ़ेक्टिव प्राइस में आपको सारे डिश यहाँ पे मिल जाएंगी। तो बस आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप वीडियोस को इसी तरीके से सपोर्ट करते रहिए, और आप वीडियो में आप जो है इसी तरीके से बने रहिएगा। और आपको बैरिकेड दिखाई दे रहा है ना, तोड़ना नहीं है कभी भी, तो उनसे चलना है, ठीक है ना? तो बस वीडियो में आप बने रहिए। 2000 years later। तो गाइस वीडियो में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और बहुत बहुत शुक्रिया कि आप जो है अभी तक वीडियो में बने हुए हैं और वीडियो को इतना सपोर्ट कर रहे हैं। तो अभी जो है हमारा खाना वगैरह सारी चीज़ें पूरी हो चुकी हैं, और अभी हमारा जमानत का वक्त आ चुका है, तो भाई ने कहा कि जमानत करवा देते हैं, और आप सभी को बोलना चाहूँगा ये हमारी जमानत आ गई है, और इसमें अभी हमें जमानत के पैसे भरने हैं, ठीक है? तो गाइस सबसे पहले तो आप सभी को बोलना चाहूँगा कि बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का कि आप वीडियो को इस तरीके से लाइक कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं,
और आपसे एक छोटी सी बात मैं बताना चाहूँगा, क्योंकि जब भी मैं वीडियोस को देखता हूँ तो लगभग हमारे 60% जो ऑडियंस है वो नॉन सब्सक्राइबर वाली है, मतलब कि वीडियोस को आप देखते हैं बट सब्सक्राइब नहीं करते, क्योंकि हम आपके लिए इस तरीके का प्रीमियम कंटेंट आपको दिखाते रहेंगे। और हमारे जितने भी केज कैफे के मेंबर हैं, आप ये सारे यहाँ पे अवेलेबल हैं, और आप सभी को मैं ये चीज़ बोलना चाहूँगा कि इन्होंने पूरा सपोर्ट किया है। अगर कोई भी अगर यहाँ रेस्टोरेंट पे आता है तो फुल हॉस्पिटैलिटी दी जाती है, अच्छी तरीके से हाइजेनिक नीट एंड क्लीन सारी चीज़ें आपको मिलेंगी, और वो भी सारी सिस्टमेटिक वे में। तो आप सभी से बस यही बोलना चाहूँगा, यहाँ का पर्टिकुलर एड्रेस मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, ठीक है? और आप आइए, अपनी फैमिली के साथ आ सकते हैं यहाँ पे, अपनी गर्लफ्रेंड के साथ आ सकते हैं यहाँ पे, ठीक है? आप अपने पेरेंट्स के साथ यहाँ पे आ सकते हैं, ठीक है? बड़े बूढ़ों के साथ आ सकते हैं। और सबसे पहली चीज़ कि आप यहाँ पे अगर आपको अपनी पार्टी ऑर्गेनाइज करवानी हो, बर्थडे पार्टी ऑर्गेनाइज करवानी हो, तो वो भी यहाँ पे अरेंजमेंट होते हैं। ये सारी चीज़ें जो हैं, आप जब यहाँ ऑनर होंगे तो ऑनर का नाम बताएंगे भैया, क्या नाम? हाँ जी, हाँ जी, आकाश यादव और अंकित जैन जी से आप मिल सकते हैं। उनका कॉन्टैक्ट नंबर और पर्टिकुलर सारी चीज़ें मैं डिटेल्स में आपको डाल दूंगा और डिस्क्रिप्शन में भी मेंशन कर दूंगा। तो बस आप सभी से बस यही बोलना चाहूँगा कि लास्ट में क्या करना है, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। गाइस प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिएगा। और लास्ट में बस आपसे यही बोलना चाहूँगा कि बड़े बूढ़ों का ख्याल रखें, अपने माता पिता की हमेशा सेवा करते रहें, और भारत माता की जय।